नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुब्रत चौहान और आप देख रहे हैं फिश इनपो चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको तेलापिया मछली फार्मिंग के बारे में बताऊंगा। आप जानते होंगे तेलापिया जो मछली है वो अक्सर किसान कल्चर में डालते हैं, लेकिन मैं जो तकनीक बताऊंगा इस तकनीक से आप लाखों का कमाई कर सकते हैं सिर्फ एक से डेढ़ महीने में ही, और मछली को एक डेढ़ महीने में ही सेल कर सकते हैं। और इसमें फीडिंग भी बहुत ही कम लगेगा और समय भी आपको बचत होने लगेगी। अभी बात आती है नया तकनीक क्या है, नया बिजनेस तरीका क्या है। गाइस अक्सर देखा जाता है किसान क्या करते हैं, मछली को कल्चर में डाल देते हैं, यानी छोटी छोटी साइज का तेलापिया या हाइब्रिड तेलापिया का जो खरीदते हैं वो इसको कल्चर में डाल देते हैं, जिसमें लगभग 3.5 महीना से लेके 4.5 महीने का समय लग जाता है। इस बीच मछलियाँ 8 से लेकर 10 पीस में किलो में आ जाती है, फिर इसको मार्केट में हम हार्वेस्टिंग करके सेलिंग करते हैं। लेकिन आपको इस बिज़नेस को थोड़ा सा चेंज कर देना है, तब आप जाके हर महीने लाखों का कमाई कर सकते हैं। आपको इस बिज़नेस को चेंज करके आ जाना है फिंगर लाइन बिज़नेस में। तो इसको कैसे करेंगे, जैसे कि आप जानते हैं जो फिंगर लाइन बच्चा है उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर अच्छा क्वालिटी का सीड आपके पास है तो आप बहुत आसानी से उसको सेलिंग कर सकते हैं। इसमें तेलापिया, हाइब्रिड तेलापिया या फिर मोनोसेक्स तेलापिया जो है उसको आप खरीद लें। छोटी छोटी साइज़ में आपको ख़रीदना होगा, जो मेडिसिन करने के बाद 100% मोनोसेक्स बन जाता है, तो उस मछली को आपको ख़रीदना है। खरीदने के बाद उसको आपका तालाब में छोड़ देना है। जैसे कि मान लीजिए आप 70 पैसा से लेकर 1 रुपया के आसपास उस सीड को ख़रीदते हैं, फिर उस सीड को आप डाल दें एक तालाब में, जिसमें आपको 1.5 से लेकर 2 महीना तक उसको पालन करना है। यानी 1.5 से लेकर 2 महीना आप अगर उस मछली को पालन करते हैं तो ये मछलियाँ जो है वो आपका उंगली का 2 गीट का आसपास हो जाएगी। तो इस साइज़ का मोनोसेक्स तेलापिया का जो प्राइस है लगभग 2.5 रुपया से लेकर 3 रुपया के आसपास बहुत आसानी से बिक जाती है। मान लीजिए आप अगर 1 रुपये पीस से एक मछली को ख़रीदते हैं, फिर 1 लाख बच्चा खरीदते हैं, तो उसका प्राइस हो गया 1 लाख। और 1 महीना अगर इसको फीडिंग कराते हैं खिलाते हैं तो ये मछलियाँ लगभग 2 लाख से 2.5 लाख में बहुत आसानी से बिक जाएगी। तो इस दौरान देखा जाए तो मिनिमम आपको 1 महीने में 1 लाख का प्रॉफिट हो सकता है। हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ समझने वाली बात है कि इस सीड को आपको बेचना है तो उसके लिए भी आपके आसपास मार्केट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसके पास आप बेचोगे, तो आप बहुत आसानी से उसको सेलिंग कर सकते हो। क्योंकि तेलापिया का जो सीड है ना गाइस, वो आप देखोगे छोटा छोटा साइज में ही मिलता है। लोग क्या करते हैं, इसको मेडिसिन करते हैं, एक्चुअली में जब मेडिसिन किया जाता है, मोनोसेक्स बनाया जाता है, बनाने के बाद इसको छोटी छोटी साइज में बेच दिया जाता है। लोग इसको बड़ा साइज में करना नहीं चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही समय ले लेता है, हिचड़ी में तो ये सारा चीज़ करना मुश्किल है, तो इस दौरान बड़ा साइज़ का बच्चा मिलना मुश्किल है। लेकिन बड़ा साइज़ का बच्चा का डिमांड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए आप इस बिज़नेस में आ सकते हो। आप इस मछली को छोड़ो और थोड़ा बड़ा साइज़ बनाओ मोनोसेक्स को, और थोड़ा सा मार्केटिंग करो, देखो आपको इस मछली से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकलेगा, जिससे आप कल्चर से भी ज़्यादा कमाई कर सकते हो। और तो और हर महीने आप इस सीड को बेच सकते हैं, हर महीने आप कमाई कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा कमाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये स्कोप है तो। अभी बात आती है कितना तालाब या फिर कितना बड़ा तालाब का ज़रूरत है। गाइस इस मछली को पालन करने के लिए 1 से 1.5 बीघा का अगर तालाब आपके पास है तो उसमें आप बहुत आसानी से 1.5 से लेकर 2 लाख बच्चे को बहुत आसानी से 2 महीने तक रख सकते हो, और 2 महीने में ये मछली काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ा तालाब आपके पास नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, छोटा तालाब में भी आप इस मछली को ग्रोथ में ला सकते हो, क्योंकि आपको फिंगर लाइन बना के सेलिंग करना है। तो कल्चर से इस सीड सेलिंग में बहुत ज़्यादा फायदा है अगर आप इस चीज़ को करना चाहते हो तो। अभी बात आती है फीडिंग कैसे कराए या फिर फीडिंग का खर्चा कैसे आ सकता है। तो गाइस ये छोटी छोटी मछलियाँ ना बॉडी वेट का जो 25% या 20% जो फीड खाती है, आप 1 किलो मछली छोड़ते हो तो सिर्फ उसमें 200 ग्राम का फीडिंग का ज़रूरत होता है। तो इस हिसाब से आप अगर फीडिंग कराओगे तो बहुत ज़्यादा फीडिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है, और फीडिंग जो है वो उसको आपको मर्श फीडिंग कराना है, यानी जो डस्ट फीड मिलता है बहुत ही हाई प्रोटीन वाला फीड कराना है, जिससे ये मछलियाँ 1 महीना से लेकर 1 महीना 10 दिन के आसपास ये साइज़ में आ जाए। तो आप लोगों से अपना एडवांस भी ले सकते हो, तो मैं 1 से 1.5 महीने में आपको इस साइज़ का बच्चा दे दूंगा, और इस तरह का बच्चा आप ले सकते हो, फीडिंग करा के आप इस तरह से बना बना के बहुत आसानी से बेच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो प्रोसेस है हमने कई बार किया, बहुत सारा बार किया, और जब ऑर्डर मिलता है थोड़ा बड़ा साइज़ तब हम लोग इस तरह से बच्चे को थोड़ा साइज़ बड़ा बना के सेलिंग कर देते हैं।
तो आप चाहें तो इस आइडिया को काम में लगा सकते हो, क्योंकि ये जो तकनीक है बहुत ही इफ़ेक्टिव है। आप करोगे तो आपको पता चलेगा आप इससे बहुत ज़्यादा कमा रहे हो, और सबसे मज़ेदार बात है कम समय में आप काफ़ी बार इसको बेच सकते हो, बना सकते हो, और कल्चर में जाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दो बार इसको कर पाओगे, लेकिन इस तकनीक में जाओगे तो लगभग आपको 6 से 7 बार, या फिर आपका सेलिंग अच्छा है तो 8 बार भी आप इस मछली को सेल कर सकते हो, जो कि 8 गुना फ़ायदा दे सकती है। और तो और अगर आप कुछ बच्चा को सेल कर देते हो और कुछ बच्चा रह जाता है तो भी आप उसको कल्चर में रख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आप जब इसको सेलिंग करोगे तो पार्टी उतना ज़्यादा नहीं मिला, आपको पता है तो आपका तालाब में कितना मछलियाँ है, आप अगर उस हिसाब से बच्चा को सेल कर दिए फिर आप देखोगे कि उसमें और भी बच्चा रह गया, तो कितना बच्चा रह गया इस तालाब में, कितना बच्चा को कल्चर किया जा सकता है, उस हिसाब से रख के बाकी सब सेल कर सकते हो। उसके अलावा भी आप चाहो तो एक चीज़ देखोगे कि ये बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा बड़ा साइज़ में मिलता है जब नेटिंग करोगे, तो उस दौरान आप उस मछली को निकाल भी रख सकते हैं, या बड़ा बड़ा साइज़ का जो मछली होती है उसको निकाल के अलग तालाब में रख सकते हो कल्चर के लिए। आपके पास 2-3 तालाब है तो एक तालाब में आप स्टॉकिंग करो, उसमें आप अपना हिसाब से बड़ा बड़ा साइज़ को चुन के उसमें रख दो, और उस मछली को आप कल्चर में डालोगे तो उसका जो ग्रोथ है दूसरा मछली से काफ़ी ज़्यादा आएगा, जिससे आप बहुत ही ज़्यादा इस मछली को ग्रोथ में ला सकते हो, और समय भी लगभग आपको 3 महीना लगेगा, 4 या 4.5 महीने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा साइज़ का जो मछलियाँ है वो ज़्यादातर मामलों में मेल मछली होती है, और मेल मछली का ग्रोथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए आप इस तकनीक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इस तरह से देखा जाए तो दो गुना फ़ायदा आप इस बिज़नेस से ले सकते हो। तो ये जो आइडिया है ये मैंने आपको बता दिया, ये आइडिया आपको कैसा लगा ज़रूर बताना, अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और नहीं लगा है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हमेशा लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मैं सुब्रत चौहान आपसे विदा लेता हूँ।